आज मैं आपको बताऊंगा MI 10 के बारे में और पोको F2 प्रो के बारे में जो अभी रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले अभी लॉन्च हुए पाकिस्तान में, पहले ही लॉन्च हो गए। अब आप लोग की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग जो कमेंट करें, आप जो बोल लो Xiaomi वालों की प्राइस वही बहुत आई हो गई है, इसी बारे में आपको ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, पोको F2 प्रो के बारे में और MI 10 प्रो के बारे में, पोको F2 प्रो के बारे में और MI 10 के प्रो के बारे में। और दो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक चीज़ का बोले, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए और ऑन कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मैं आपको पोको F2 प्रो की आपको छोटा सा रिव्यू देता हूँ मैं बस, कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर। चलिए ऐसा करते हैं पोको F2 प्रो में एमोलेड डिस्प्ले, उसमें जो प्रोसेसर लगी दी है वो है 865 प्रोसेसर लगी दी है, सही है ना। और उसमें जो कैमरा लगी दी है वो 64 उससे मेन सेंसर लगी दी है और 4 कैमरा लगी दी है और फ्रंट पे एक कैमरा, सही है ना। 865 प्रोसेसर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, बैटरी बची है इसमें पोको F2 प्रो के बारे में सब कुछ अच्छा है, मगर इसकी जो प्राइस निकल आई है वो निकल के आई है पोको F2 प्रो की प्राइस वो भी पाकिस्तान में 1,10,000, मतलब यानी कि 1,09,999 यानी कि 1,10,000 के करीब निकल के प्राइस आई है। क्या इसमें 865 प्रोसेसर लगी है, सही है ना। अब मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ, 865 प्रोसेसर की जो कॉस्ट होती है ना सर, अगर आप इसकी 1,10,000 को आप इसको एक आधी कर लें आप, सही है ना, एक आधी कॉस्ट कर लें 40,000 इसकी 865 प्रोसेसर की कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। 865 प्रोसेसर की कॉस्ट हो जाएगी ये आप देख सकते हैं, अगर आप मेरे 865 प्रोसेसर की इतनी कॉस्ट हो गई तो अंडर डिस्प्ले कैमरा 64 मेगापिक्सल जो कैमरा है लगा दिया है और भी अंडर डिस्प्ले सब कुछ है, मैटेरियल लगा दिया, इसकी पूरी कॉस्ट पड़ जाती कम से कम 80-90,000 करीब, सही है ना। पूरी टोटल कॉस्ट ये हो गई 865 प्रोसेसर की कॉस्ट मिला के और कैमरा अंडर डिस्प्ले बैटरी सब कुछ सारे पार्ट्स की कॉस्ट मिला के पूरी प्राइस हो रही है 80-90,000 के करीब। पोको F2 प्रो की पूरी जो स्मार्टफोन है उसकी प्राइस कितनी हो गई 80-90,000 के करीब, सही है। और अगर आप पाकिस्तान में अगर इसकी आप इसका टेस्ट लगाए तो आप टेस्ट इसमें 2-3 टेस्ट लगाते हैं, मतलब ये टेस्ट लगने के बाद मोबाइल की स्मार्टफोन की प्राइस हाई हो जाती है, उसकी वजह से जो प्राइस जो है वो हाई हो गई है और उसकी जो प्राइस निकल गई वो निकल गई है 1,10,000 के करीब। मैं खुद कंसिडर कर रहा था कि अगर ये प्राइस अगर निकले तो मेरे खुद दिमाग में ये सोच थी कि इसकी प्राइस निकल आनी चाहिए थी 80-90,000 के करीब, 80,000 से लेके 90,000 के करीब निकल आनी चाहिए इसकी प्राइस पोको F2 प्रो की प्राइस, जब भी ये डिवाइस बेस में नहीं आएगी, मगर इन्होंने डिवाइस आई पे आ गई 1,10,000 के ऊपर आ गई और इन्होंने एक और डिवाइस लॉन्च कर ली, कौन सी MI 10। अब मैं आपको सगम से करता हूँ, आप बोल रहे कि MI 10 की भी प्राइस बहुत ज़्यादा है, अभी मैं आपको दोनों का रिव्यू साथ दूंगा, बाद में आगे ही मैं आखिर में सब कुछ वो बताऊँगा कि आखिर में क्या सही है क्या सही नहीं है। और ये MI 10 के बारे में आपको बताऊंगा, MI 10 जो अभी लॉन्च किया है वो उसमें भी प्रोसेसर क्या लगे दिया 865 प्रोसेसर लगे दिया है, ठीक है ना। और उसमें जो कैमरा लगी है मेन सेंसर की बात कर रहा हूँ मैं कैमरे की, वो है 108 मेगापिक्सल कैमरे की सेंसर की, कितना है 108 मेगापिक्सल कैमरा, सही है ना, 108 मेगापिक्सल कैमरा, बैटरी अच्छी है 4780 ऐसी कोई बैटरी है इसकी, और इसमें जो वायरलेस चार्जिंग मिली इसमें आपको दोनों चार्जिंग मिली इसमें आपको, ठीक है ना, दोनों चार्जिंग मिल रही है वायरलेस चार्जिंग में, वो भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले अंडर डिस्प्ले सब कुछ है और प्राइस करेंगे जाइए 1,49,999, सही है ना। और उसके जो डिस्प्ले है वो है कर्व डिस्प्ले, अब आप बोलें इसकी प्राइस जो निकल आई है कुछ ज़्यादा हो गई है ना, कुछ ज़्यादा प्राइस हो ये ओवर प्राइस हो गई इसकी ज़्यादा, आप लोग ये बोल, अगर मेरे हिसाब से ये ओवर प्राइस नहीं है, ये सबसे बेस्ट प्राइस है इस रेंज में, अगर आप देखो तो कंसिडर करो दो आप कि इस प्राइस में क्या क्या लगा दिया है, 865 प्रोसेसर लगा दिया, 108 मेगापिक्सल का कैमरा लगा दिया, अगर इन दोनों की कॉस्ट देखो तो कम से कम 70-80,000 के करीब इसकी कॉस्ट हो गई है इसकी पूरी इन दोनों सेंसर की, ये क्या बोलते हैं 865 प्रोसेसर सेंसर की वो प्रोसेसर की और कैमरा का सेंसर है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, उसकी कॉस्ट इतनी हो गई 80-90,000 के करीब। वैसे कंपनी अलाव नहीं करती ना, नेट पर अलाव है कि आप इसकी प्राइस चेक करें, पोको F2 प्रो की कॉस्ट की पचास पार्ट की, ये सब नेट पर नहीं होता ये सब, ये आपको खुद ही कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि 865 प्रोसेसर लेटेस्ट है और 5G है,
5G प्रोसेसर है ये देखा जाए तो, और 5G प्रोसेसर की कॉस्ट ज़्यादा हो गया, 100 मेगापिक्सल की कॉस्ट भी ज़्यादा है, ठीक है ना, आप लोग समझ ना, 100 मेगापिक्सल ये 100 मेगापिक्सल की कॉस्ट ज़्यादा है और 865 प्रोसेसर की भी कॉस्ट ज़्यादा है, तो यानी कि दोनों प्राइस मिला के अपने प्राइस हो गए 80 to 90 करीब। उसमें जो कर्व डिस्प्ले लगा दिया है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसके अंदर, उसमें जो बैटरी लगा दी, वायरलेस चार्जिंग लगा दी और सारे ऑल पार्ट्स मिला के कम से कम इसकी जो प्राइस बनती है कम से कम वो बनती है 120,000-130,000 के करीब, ठीक है 120,000 टोटल। आप इसमें जो अगर आप पैसे में जो नो टैक्स लगता है तो टैक्स लगने के बाद इसकी प्राइस हो जाती है 150,000 के करीब चली जाती है। मसला ये टैक्स लगने के बाद प्राइस हाई हो रही है। पोको F2 प्रो में भी गया था, टैक्स लगने के बाद प्राइस हाई हो जाती है, कम से कम वो 80 to 90,000 के करीब वो डिवाइस थी, वो पोको F2 प्रो भी, और उसको टैक्स इंक्लूड करके तो 11,000 हो गई। इसमें दो बार टैक्स इंक्लूड करके कितनी हो गई, 1,49,999 प्राइस हो गई, 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख हो गई, यानी कि 1,50,000 कम से कम हो गई, यानी कि इसकी जो कॉस्ट आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए 1,25,000 के करीब आनी चाहिए थी इसकी, 1,25,000-1,30,000 के करीब इसकी प्राइस आनी चाहिए थी MI 10 की, अगर कंसीडर करें तो। आपको ये पूछिए अगर ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करें शामी वाले पाकिस्तान में कंपनी को फैक्ट्री को, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कॉस्ट कम होगी सारी डिवाइसेस की, जो मैं यूज़ कर, मैं भी ज़्यादा जो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ कैमरे के लिए वो है शामी की कंपनी का, ये Redmi Note 5 जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ इसी वीडियो से, मैं कुछ शामी का Redmi Note 5 कर रहा हूँ। और ये कंपनी है, ये टॉप फोर वर्ल्ड में आती है, कम से कम वर्ल्ड में पूरी दुनिया में ये टॉप फोर में आती है कंपनी है शामी। आपको पता है एप्पल है, सैमसंग है, ये और भी कंपनी है शामी है, ये चौथे नंबर पर शामी में आती है, ये आप देख लें, आप चौथे नंबर पर इसका नाम है। अब पाकिस्तान में इसको कोई कंसिडर क्यों नहीं करता, ये कंपनी बहुत अच्छी थी, प्राइस निकाल के आ रही, डिवाइसेज बहुत अच्छी निकाली, मगर लोग जाते ओप्पो की तरफ, प्राइस की भी आई हुई जाती है। मैं इसमें आपको किसी और कंपनी की बात नहीं करना चाह रहा, मैं शाओमी कंपनी की बात करना चाह रहा हूँ। अगर वो चाहे तो वो ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है पाकिस्तान में, कंपनी खोले, फैक्ट्री खोले, सब कुछ करे, मैन्युफैक्चरिंग करे पाकिस्तान में, तो उसकी कॉस्ट कम होएगी, जो टैक्स लगेगी वो कम होएगी, तो आराम से जो इसकी प्राइस होगी 125,000-120,000 के करीब इसकी प्राइस होगी, कम से कम MI 10 प्रो की अगर इसी होगी होनी चाहिए थी, मगर टैक्स लगने के बाद प्राइस आई हो गई। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई पोको F2 प्रो की इतनी प्राइस क्यों आई, सी वो मेगा पिक्सल लगा के दिया, सब कुछ लगा के दिया, तो सी एस 90Hz का कोई डिस्प्ले नहीं है, 120Hz का डिस्प्ले नहीं है, तो इतनी आई प्राइस क्यों हो गई, क्योंकि जो 865 प्रोसेसर की कॉस्ट ज़्यादा थी और जो टैक्सेस लगते हैं पाकिस्तान में उसकी वजह से वो कॉस्ट हाई हो जाती है। मसला यही है बस पाकिस्तान ये स्मार्टफोन में ये लोग ज़्यादा ये बल्क में ज़्यादा तर ये लोग ये लेते नहीं है प्रोसेसर, आई बेबी जो प्रोसेसर होते आई होते हैं 865 प्रोसेसर होते हैं वो इतने बल्क में नहीं लेते। जैसे अगर देखा तो 2-3 साल पहले 636 प्रोसेसर इन्होंने बल्क में ले लिया था, अभी हर डिवाइस में 636 प्रोसेसर ला के दे रहे थे, तो बल्क में ले लिया, जब भी वो स्मार्टफोन वो की जो प्राइस है वो कम आ रही थी वो ये लोग अगर बल्क में लें और हमें सही प्राइस में देंगे तो ये सही हो जाएगा। अगर ये बल्क में नहीं लेते ये कम में ले जाते तो डिवाइस लॉन्च कर लेते, अब उनको बल्क में लेना चाहिए, उनको वो ये मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए पाकिस्तान में, फैक्ट्री होनी चाहिए, ये भी इनकी प्राइस सही रहेगी। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये आप ये मैन्युफैक्चरिंग करें पाकिस्तान में, कंपनी लाएँ, डिवाइसेज भी लॉन्च अच्छी अच्छी करें, पैसेज भी कम करें, आप पैसेज जो हमें और कर लिए MI 10 Pro की, मेरी रिक्वेस्ट है आपको ये और कम करें, पोको चाहे MI 10 की नहीं करें, पोको F2 Pro की कम कर लें, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है बस, क्योंकि पोको F2 Pro की कुछ ज़्यादा प्राइस बहुत हाई हो गई है, लेकिन मैंने ये वीडियो लाया हूँ मैं, क्योंकि लोग बहुत सारे कमेंट करेंगे आपको वो मैं बाद में बोलना नहीं चाह रहा मैं। और बस आपसे तो बस ये तो इसी पर ये रिक्वेस्ट है कि हाँ बस ये मैन बस हमसे बस थोड़ी सी बस ये रिक्वेस्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग करना साफ करें पाकिस्तान में, क्योंकि कॉस्ट कम होगी लोग और प्रीफर करेंगे देने में, क्योंकि आपकी जो आई है डिवाइस वो देने में और प्रीफर करेंगे। बस मेरी आपसे बस थोड़ी सी बस ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आगे तक जा रही है या आप लोग देख रहे हैं तो बस मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है बस, और कुछ नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।